शैम्पू है, मास्क है, वो मैं यूज करके आपको बताती हूँ कि क्या ही जबरदस्त का रिजल्ट है। ये सर्दियों में ये होता है कि इतने ना फटे फटे बाल होते हैं यहाँ पे, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए ना मेरे पास एक सीरम है। और सीरम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और आज जो है तो आज मैं एक कुछ प्रोडक्ट्स आपसे शेयर करना चाह रही हूँ पर्सनल जो मेरे यूज़ में हैं। काफ़ी लोग मुझसे हेयर केयर पूछ रहे थे, स्किन केयर पूछ रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हेयर केयर बताऊँगी कि मैं अपने बालों में क्या इस्तेमाल करती हूँ। बाल तो मैंने कटवा ली, वो यूँ कटवाए, मुझे ना मुझे शौक चढ़ा था, इतने सालों से मेरे इतने लंबे बाल थे तो मैंने सोचा कि ये अपनी ही चीज़ें तो बढ़ जाएंगे, तो मैं अपना थोड़ा सा जो शौक है ना पूरा कर लूँ। तो अब जो शौक है वो 3 दिन में मेरा पूरा हो गया था, तो अब दिल कर रहा है कि इतने लंबे हो जाए एकदम से। अच्छा, ये शौक होता है ना, मेरा दिल करता है चुटकी में छोटे हो जाए, चुटकी में लंबे हो। अच्छा, मैं आपको बाल दिखा दूँ। ये मैंने कुछ भी नहीं किया वो बालों में, ये देखें, बिल्कुल भी ना ब्लो ड्राई किया है मैंने इनमें, ना मैंने स्ट्रेटनिंग की है, ना कर्लर किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मैंने ये 3 चीज़ें यूज़ की, और जो चौथी चीज़ है ना वो मैं तो रात में लगा के सो जाती हूँ या नहाने से 3-4 घंटे पहले लगाती हूँ। ये देखिए, चेक करें आप लोग, मेरे पहले भी ऐसे ही थे बाल, क्योंकि मैं इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी, घने हो गए हैं बाल, ये देखें। और वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में ये होता है कि इतने ना फटे फटे बाल होते हैं यहाँ पे, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए ना मेरे पास एक सीरम है। सीरम पे और फेस वॉशेस पे, जितने भी सीरम है जितने भी फेस वॉश है ना उन पर फ्लैट 30% लगा हुआ है, तो जाके आप लोग फ़ायदा उठाएं। और मैं आपको जो शैम्पू है और मास्क है वो मैं यूज़ करके आपको बताती हूँ कि क्या ही ज़बरदस्त का रिज़ल्ट है। ये रहा रिज़ल्ट की आपके सामने, ये देखें, ये प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑर्गेनिक ब्लोम की हैं, जो कि मैं 6 से 8 महीने से यूज़ कर रही हूँ। सोच रही हूँ आपसे मैं कुछ प्रोडक्ट्स शेयर कर लूँ ऑर्गेनिक ब्लोम की। ये प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ यूज़ करने का, और मैं ये बताती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ है। अच्छा, ये जितने भी सीरम हैं और फेस वॉशेस हैं इन पे फ्लैट 30% लगी हुई है। ये स्मूथ एंड स्टाइल सीरम है, ये बालों को बहुत अच्छा आपको कवर करता है। बाल जो सर्दियों में फटे फटे हो जाते हैं बिल्कुल भी नहीं होंगे, एंड पे लगाएं आप ये, जब नहाने के बाद ड्राई होते हैं बाल, उसके बाद ये 2 ड्रॉप आप अपने पूरे बालों पर लगा सकते हैं और बहुत अच्छे स्मूथ एंड शाइनी आपको बाल नज़र आएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी ऑर्गेनिक ब्लूम के वेबसाइट का, वहाँ जाके आप लोग विजिट करें। 1 से 1 चीज़ें आपको, हर एक चीज़ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग जब ऑर्डर करेंगे डिस्काउंट कोड लगाना मत भूलिएगा, आपको ऑल प्रोडक्ट्स पे फ्लैट 10 मिलेगा, और जितने भी सीरम्स हैं और फेस वॉशेज हैं इन पर आपको फ्लैट 30 मिलने वाला है। तो देर किस चीज़ की, आप लोग जाके ऑर्डर करें और फ़ायदा उठाएँ इस चीज़ का। सबसे पहले मैं आपको इसका बता दूँ, ये मेरे पास शैम्पू है जो कि कैरेटिन शैम्पू, सल्फेट फ्री है, केमिकल फ्री है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनी हुई है 100%। ये जो मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट को मैं यूज़ करके बताऊँगी और उसके बारे में डिटेल भी बताऊँगी कि इसमें क्या चीज़ ऐड है और किस चीज़ का आपको फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्यूल फॉलिक। सबसे पहले मैं फ्यूल फॉलिकल ड्रॉप ये ऐड करूँगी अपने बालों में रात में लगा के सो जाएं, या नहाने से मतलब शैम्पू यूज़ करने से 2 या 4 घंटे पहले आप लोग ये लगा सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें फ्री हैं। सबसे पहले मैं ये सीरम लगाऊंगी अपने बालों में, ये हेयर ग्रोथ सीरम है फ्यूल फॉलिकल ऑर्गेनिक ब्लूम से मैंने ये ऑर्डर किया था। ये ऑल हेयर टाइप सीरम है, ये कोई भी ये नहीं है कि हमारे खुश्की हो रही बालों में तो हमें सूट नहीं करेगा, ये तो वो, ये ऐसी कोई इसमें बात नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कि आप लोग अगर कह रहे हैं ना कि हमारे बालों को नुकसान होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, 100% ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा, आपने ना ये जो सीरम लगाना है, ये एक पंप आपने ना ये पूरा भर के, तो थोड़ा थोड़ा अपने फिंगर टिप की मदद से ना आपने अपनी जड़ों में लगाना है। ये मांगे जो खुल जाती हैं, मतलब मांग निकाल निकाल के चौड़ी हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको ये कवर करता है। हेयर ग्रोथ होगी जो आपके बाल नहीं बढ़ते, मतलब गंजपन जो होता है साइड पे आ जाता है, थोड़ा थोड़ा सा मेरे है ये बहुत ज़्यादा था, जो कि ये सीरम यूज़ करने से मेरे काफ़ी ये फिल हो गई ये जगह, और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छे मतलब के बाल हो गए हैं। कि खूबसूरती ही बालों से आती है, बंदा तैयार हो जाता है, लेपा पोती कर लेता है, मेकअप कर लेता है, कपड़े अच्छे पहन लेता है, जब तक बालों का अच्छा टच नहीं होगा ना
मज़ा नहीं आएगा। तो बालों को अच्छा करने के लिए आप लोग ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें। सल्फेट फ्री है, अल्कोहल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, वीगन है, ग्लूटेन फ्री है, और सबसे बड़ी बात डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। हाईली 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 रिकमेंडेड है। सेटिस्फाइड होकर आप ये प्रोडक्ट्स मंगवा के यूज़ करें। जी प्रोडक्ट फीचर्स देख लेते हैं। स्टॉप हेयर फॉल और इंक्रीज हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से, शाइनी हेयर, स्ट्रॉन्ग वगैरह जो भी है, गेट ब्यूटीफुल फ्रीजी हेयर जो आपके जो मौसम आने वाला है उस लिहाज से मैं कहती हूँ लेवल है। तो अब आ जाते हैं हम शैम्पू की तरफ। अच्छा जी, ये जो मेरे पास शैम्पू है ये विटामिन ई विद आर्गन ऑयल बेस्ट 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 है बालों के लिए। सल्फेट फ्री है, सल्फेट बालों के लिए इतना नुकसानदेह है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो आजकल इतने शैम्पू आ रहे हैं, आप एक दफ़ा यूज़ में आपके इतने सिल्की स्मूथ शाइनी जो हो जाते हैं ना आपके बाल, आप लोग समझते हैं कि बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है, इसके अलावा कोई है ही नहीं अच्छा शैम्पू। और वही शैम्पू जो आपके लिए बेस्ट है ना, इतना नुकसानदेह है, इतना नुकसानदेह कि आप लोग सोच नहीं सकते। आपने बालों में कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है बहुत स्लोली अपने हाथों से, मतलब नेल्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने हैं, अपने फिंगर टिप्स की मदद से स्लो स्लो आपने मसाज करना है। कुछ भी भले आप वो स्किन हो या हेयर हो, आपने बहुत ही स्मूथ लेके चलना है इन चीज़ों को। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने शैम्पू बालों को कर लिया था, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके शैम्पू मैंने यूज़ कर लिया था। और इसके बाद आपने केराटिन क्रीमी हेयर मास्क आपने इसके बाद अप्लाई करना है, जो कि बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे। ये शैम्पू यूज़ करने के बाद आप लोग कंघा करते हैं, इतने सारे बाल टूट जाते हैं, इतने गुचमुच होते हैं। इससे ये कि आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में ना आपने ये मास्क यूज़ करना है। और ये मास्क ये है कि सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, ये मैं आपको बता दूं, जो प्रोडक्ट्स हैं आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं, ये मास्क रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं, ये सल्फेट फ्री है इस वास्ते। तो बाकी जो चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि हफ्ते में दो दफ़ा यूज़ करनी है, वो इसलिए यूज़ करनी है दो दफ़ा के बालों का हो जाता है सत्यानाश, तो इसलिए कहते हैं कि दो दफ़ा यूज़ करें। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप रोज़ाना डेली वॉश कर सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, ये जो मास्क है ना आपने कभी भी अपने स्कैल्प्स पे नहीं लगाना, मतलब कि ये जो रूट्स होती हैं जड़ें मांगे उन पे अप्लाई नहीं करना, सिर्फ ये आगे आगे तरफ लगाना है, बालों में लगाना है। तो अब हम कर लेंगे हेयर वॉश। तो ये मैं हेयर वॉश कर आ गई थी, अब मैं इसको खोल लेती हूँ। ये मैंने कहीं मास्क जो अप्लाई किया है ये मैंने 10 मिनट अप्लाई करके रखा था, उसके बाद ये कि मैंने वॉश कर लिया था। अब मैं ये टॉवल जो है ये मैंने यूज़ किया था। ये किस किस के पास टॉवल है मुझे इसका जवाब लाजमी दिएगा। बहुत यार मज़ा आता है इसमें ना, छोटा सा एक बाल इजीली ना आपके कवर हो जाते हैं। तो ये देखें, अब मैं जिस तरह ब्रश अंदर फेर रही हूँ ना, बिल्कुल भी ना मतलब उलझ नहीं रहे बाल, काफ़ी उलझते हैं बाल उसके बाद शैम्पू करने के बाद, तो मास्क करने के बाद तो इतने स्मूथ शाइनी और सॉफ्ट हेयर हो जाते हैं। और एक भी मेरा बाल नहीं टूटा था, नहीं ऐनी भी गल नहीं टूटा था मतलब, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं टूट रहे अब बाल। 2-3 महीने पहले तो इतने टूट रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने तो लगता सी मैं तो गंजे हो जाना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ऐसे ख्याल आते हैं ना तो इतना दिल फटता है, अल्लाह ना करे। तो ये चीज़ें मैं जब से यूज़ कर रही हूँ ना, सच में जादू है जादू। ये देखें, आप रिज़ल्ट चेक करें इसका, ये देखें है ना ज़बरदस्त, इतने स्मूथ हो रहे हैं, इतने फ्लफ़ी से, इतने सॉफ्ट, ऐसे हाथ अंदर फेर रही हूँ ना, ऐसे फिंगर से मेरे हाथ निकल बाल निकल रहे हैं सॉरी। तो ये देखें, ये कुछ भी ब्लो ड्राई नहीं किया हुआ, स्ट्रेटनिंग नहीं की हुई मैंने, ऊपर से ब्लो ड्राई भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया हुआ। पहले तो ये मेरे बहुत बाल ना ख़राब हो गए थे, तो मैंने कटिंग करने के बाद ही सोचा कि ना कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करनी सिवाय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के। अब लास्ट स्टेप जो है ये स्मूथ स्टाइल सीरम, ये अप्लाई करेंगे हम ओनली 2 ड्रॉप्स। अच्छा, जितने भी सीरम्स हैं और जितने भी फेस वॉश हैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी वेबसाइट का, जहां से मैंने चीज़ें ऑर्डर की हैं वहां जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ ना सही इन सीरम्स पे और फेस वॉश पे सेल लगी हुई है फ्लैट 30, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये कोड लगाना मत भूलिएगा जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ramsha_j10। ये एक ऑप्शन आएगा जब आप लोग ऑर्डर करेंगे, ये डिस्काउंट कोड है, ये आप लोग ऐड करेंगे तो भरपूर डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सीरम अब लास्ट स्टेप जो है हमारा, पहले हमने फ्यूल फॉलिकल यूज़ किया था, अब लास्ट स्टेप जो है शैम्पू कंडीशनर करने के बाद बाल आपके जब ड्राई हो जाएंगे तब आपने ये यूज़ करना है स्मूथ एंड स्टाइल सीरम। ओनली 1 ड्रॉप आपने अपने हाथों पर लगाना है और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये सीरम है, ये आपने ओनली 2 ड्रॉप्स लगाने, ज़्यादा बिल्कुल भी मत लिएगा वरना बहुत जो है ना बाल ऐसे लगेगा कि ऑयल थोपा हुआ है बहुत ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ आपने 2 ड्रॉप्स लेने हैं, 1 से 2 ड्रॉप्स कर लें। तो आपने ना पूरे हाथ में इस तरह करके और अपने बालों में ऐसे अप्लाई कर लेना है,
जड़ों में नहीं लगाना आपने, सिर्फ बालों में अप्लाई करना है। इससे ये है कि बहुत फ्रिजीनेस हो जाती है ना जब बालों में, सर्दियां तो वैसे भी आ रहे हैं, सर्दियों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लोग ये, यार मैं कह, ये मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दे रहे, आप समझ रहे हैं ना कि हाँ इसको पैसे मिल रहे होंगे तो ये ऐड दे रही है, भाई मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे, मैं खुद इसलिए ऐड दे रही हूँ कि आप लोगों का भला हो जाए। मेरे अपने जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, मेरी जो फैमिली है, मैं चाह रही हूँ उन लोगों का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए मैं ये आप लोग तक बात पहुँचा रही हूँ। राइट, आपको वीडियो अच्छी लगे जल्दी से लाइक शेयर कर दें। इन अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है और अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग के साथ।